ओम। सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपको अपने समाज की एक ऐसी व्यथा सुनाना चाहती हूं जो कि शायद प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में, हर जगह घटित होती रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है हम वैसा सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में पैदाइशी एक भ्रम है कि अमीर का बच्चा हमेशा ही घमंडी, अहंकारी तथा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाला होता है। परंतु कई बार ये हमारी जो धारणा है वो गलत साबित होती है। इसी धारणा पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूं जो कि आम समाज में घटित होती है। योगेश बहुत ही गरीब घर का लड़का था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। एक साधारण सा परिवार था। घर में बस रोटी का गुजारा होता था। एक कच्चा पक्का मकान था, लेकिन बेटे की परवरिश के लिए पूरा ही परिवार अग्रसर रहता था। सोचता था कि यदि योगेश कामयाब हो गया तो हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी और ये अपने छोटे बहन भाइयों को भी आगे बढ़ाएगा। आप उसको जैसे तैसे करके पढ़ाया, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। उसके बाद उसकी डिग्री पूरी होने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई। अब योगेश को तो गांव छोड़कर दूर जाना ही था। और बॉम्बे जैसे शहर में जॉब करने लगा और उसके ख्यालात भी कुछ ऊंचे हो गए। लेकिन वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला था। हमेशा ही जब भी उसे मौका मिलता, जब भी उसका दिमाग फ्री होता, उसके दिमाग में वही गांव की गलियां, वही खेत खलियान, वही माता पिता का मजदूरी करना, अपने परिवार का साथ रहना, यदि कोई थोड़ी भी चीज है उसको मिल बांट के खाना, ये भावना उसके मन में हमेशा ही दौड़ती रहती थी। वो अपने आप से डरता था कि कभी मैं बदल न जाऊं, मेरी अच्छी जॉब है, रहना सहना अच्छा है। उसके बाद भी जब भी वो समय निकालता या समय उसे मिलता तो अपने अतीत में खो जाता था और कोशिश यही करता था कि मैं उनके, अपने माता पिता तथा परिवार वालों के संघर्ष को न भूलूं और हमेशा ही उनकी सहायता के लिए तत्पर रहूं, अपने बहन भाइयों को, अपने आसपास के बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा दूं। जैसे तैसे करके जीवन बीत रहा था और योगेश अपनी सर्विस, अपनी नौकरी कर रहा था। अब क्या होता है कि शादी ब्याह का समय तो सभी का आता है। एक बहुत बड़े अमीर घर की लड़की उसे पसंद करने लगी जो कि उसके साथ नौकरी करती थी, लेकिन वो ऐसे शहर से बिलोंग करती थी जिसने कभी गांव देखा ही ना हो, जिसने कभी सूट सलवार साड़ी पहनी ही ना हो, जिसने कभी रसोई घर में काम नहीं किया हो। लेकिन लड़की की चाहत इतनी थी कि वो अपने पिता के सामने अड़ गई और कहने लगी कि मैंने तो
योगेश के साथ ही शादी करनी है, चाहे आप गरीब बताओ या अमीर बताओ। अब योगेश को इस बात का डर था कि यदि मैं सुधा के साथ शादी करता हूं तो ये मेरे घर में एक दिन भी नहीं टिक पाएगी, और अमीर घर की बेटी है, घमंडी होगी, हमें अपमानित करेगी, मेरे घर वालों को अपमानित करेगी। उसने कहा कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन लड़की ने कहा यदि शादी करूंगी तो योगेश तेरे से ही करूंगी, नहीं तो मैंने शादी ही नहीं करनी। आप योगेश के पिता तथा भाई उनके गांव में आते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर क्या देखते हैं कि एक साधारण सा मकान है, उसमें बहुत से इंसान हैं जो कि बहुत सादगी से जीवन जी रहे हैं। उनके पास इतना ही होता है कि वो अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें, परंतु बेटी का बाप था और बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और योगेश के साथ उसने सुधा की शादी तय कर दी। अब योगेश ने सुधा से कहा कि देखो, मैं एक बहुत मामूली घर से हूं, मेरे घर में इतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं। आप भले ही गांव मत जाना, लेकिन मेरे घर वालों को अपमानित मत करना, मेरे घर वालों के मान सम्मान को ठेस मत पहुंचाना। तुम अमीर लोग हो, तुम्हें क्या पता कि एक मध्यम श्रेणी का इंसान या निचली श्रेणी का इंसान कैसे क्या क्या संघर्ष करके आगे बढ़ता है। लेकिन सुधा बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। अब शादी हो जाती है, दो चार घंटे आकर सुधा वापस बॉम्बे चली जाती है। अब उसके माता पिता दादा दादी कहते हैं, बेटा हमने अपने दही देवताओं को धोख मरवानी है, पूजा पाठ करनी है, तो दो तीन दिन तो बहू को हमारे घर आना ही पड़ेगा। अब उसने सुधा से कहा, सिर्फ तीन दिन की बात है, हमारे घर में एडजस्ट कर लेना, मेरे माता पिता की इज्जत करना, मेरे बुजुर्गों की इज्जत करना, मेरे छोटों को सम्मान देना, सिर्फ तीन दिन की ही तो बात है, और यदि मेरी दादी माँ आपको कुछ कहे तो चुप रह जाना, क्योंकि तीन दिन निकालने कोई मुश्किल नहीं है, मैं तीन ही दिन में वापिस बॉम्बे आ जाऊंगा और हम जैसे तू रहना चाहे वैसे यहां रह सकती हैं। अब सुधा मान जाती है और उसके गांव चली जाती है उसके साथ। लेकिन सुधा को तो पहले ही ये मालूम था कि गांव का परिवेश क्या होता है, गांव के संस्कार क्या होते हैं, क्योंकि उसकी नानी भी गांव से संबंध रखती थी और सुधा की शादी से पहले उसने अपनी नातिन को सब कुछ समझा दिया था कि बेटी यदि तू हमारी असली बेटी है तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, गांव जाकर किसी को अपमानित मत करना, कोई यूं ना कह पाए कि अमीर घर की लड़की है, इसका दिमाग चढ़ा हुआ है, ये किसी को कुछ नहीं समझती, यदि ऐसा हुआ तो मैं ये समझूंगी कि मैंने अपनी नातिन को कोई शिक्षा ही नहीं दी। अब उसको तो जब ये पता चला कि तुझे गांव में जाना है, अच्छी सी दो साड़ी खरीद के लाई, कुछ शादी में मिली हुई थी, सिंदूर टीका लिपस्टिक ये हो जो भी श्रृंगार गांव में होता है सब का सब खरीद कर अपनी अटैची में रख लेती है और योगेश को कहती है, बताओ गांव कब चलना है। अब योगेश भी सोचता है, जो हमेशा ही शॉर्ट स्कर्ट में रहने वाली, जींस में रहने वाली लड़की गांव जाने के लिए इतनी उत्साहित कैसे है।
लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि इस मॉडर्न लड़की के अंदर एक हिंदुस्तानी लड़की भी छिपी हुई है जो कि मान मर्यादा सबको जानती है और सबको निभाना भी जानती है। अब योगेश और सुधा अपने गांव आते हैं। अब योगेश डरता है कि कभी ये हमारे घर वालों को अपमानित न कर दे, कभी इनको रूढ़ता से बिहेव न करे। अब वो वातावरण को देखता है, सब घरवाले बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर में नई बहू आई है और हम अब अपने दही देवताओं की धोख मरवाएंगे और सारे अपने सामाजिक दायित्व हैं उनको पूरा करेंगे। देखते देखते क्या देखता है कि सुधा पहले तो सूट पहन के आती है और ससुराल घर में आते ही बहुत बढ़िया साड़ी पहनती है, माथे पर टीका लगाती है, बोरला लगाती है और सारा जो गांव का परिधान है उसको पहनकर अपने मांग में इतना सिंदूर लगाती है जैसे कि गांव में लगाया करते हैं और बन ठन कर काफी चूड़ियां पहनकर पाजे पहनकर छम छम करती हुई योगेश के सामने आती है। अब योगेश देखकर दंग रह जाता है कि वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सुधा भी इस रूप को अपना सकती है। पूरे परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐसी बहू तो भाग्यवान होती है जो कि अपने घर परिवार को इतना सम्मान दे रखा है और सबसे घुल मिल जाती है, ऐसे बातें करती है जैसे कि हमेशा से यही रही हो, प्रत्येक इंसान से प्यार से बात करती है, प्रत्येक इंसान की इच्छाओं का ध्यान रखती है। जहां भी घर वाले उसे ले गए सभी ने यह कहा कि कह रहे थे कि रघु दादा के घर तो इतने बड़े घर की लड़की आई है और किसी को कुछ समझे ही नहीं, लेकिन ये तो एकदम उल्टा है, ये तो गांव के परिधान में ऐसे रच गई है जैसे कि प्रतिदिन यहीं रहती हो और इसी वेशभूषा को अपनाती हो। उसने तो 3 दिन तक ऐसा व्यवहार किया कि पूरे समाज के मोहल्ले के लोग भी सुधा को पसंद करने लगे और कहने लगे, खाम खां लोगों को भ्रम है कि अमीर घरों की लड़कियां इज्जत नहीं जानती, अमीर घरों की लड़कियां मान सम्मान नहीं जानती। ये बिल्कुल उलट बात है। सुधा ने ऐसा करके दिखा दिया कि योगेश का मान सम्मान अपने परिवार में और भी बढ़ गया। जब 3-4 दिन के बाद योगेश अपनी पत्नी के साथ गांव से वापिस आने लगा तो पूरा परिवार रो रहा था कि हम तो सोच रहे थे कि हम बहू के आगे डरते रहेंगे, लेकिन हमारे को तो परमात्मा ने बहू क्या बेटी दी है जो प्रत्येक के साथ घुलमिल कर रहती है और प्रत्येक का सम्मान करती है, इज्जत करती है। अब योगेश बॉम्बे चला जाता है। उसके बाद भी सुधा कहती है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि एक पढ़ी लिखी लड़की गांव में एडजस्ट नहीं होगी? क्या हम शहर में ही पैदा हुए थे और हुए भी थे तो हमारे गांव की कल्चर इतनी पुरानी कल्चर है, इतनी पुरानी सभ्यता है कि उसे छोड़ना मुनासिब नहीं है, और जो लोग नहीं छोड़ना चाहते तो हमने उसे खुशी से अपनाना चाहिए और खुशी खुशी उनका साथ देना चाहिए। ये सब बातें सोचकर सुनकर योगेश बहुत खुश हुआ और योगेश की पत्नी ने तथा योगेश ने अपने बहन भाइयों को, अपने परिवार वालों को इतना साथ दिया कि उनको पढ़ा लिखा कर आगे भी बढ़ाया और वो परिवार एक दिन गांव में ऐसा चमक गया कि भाई बेटा हो तो योगेश जैसा और बहू हो तो सुधा जैसी, जिसने कि अपने पूरे परिवार को इतना आगे बढ़ा दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता, सबका साथ दिया, सबको एजुकेटेड बनाया और सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए
तथा इसे आगे फॉरवर्ड करने के लिए कोशिश कीजिए। धन्यवाद।